देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए। भारतीय जनता पार्टी ने 3 राज्यों में बहुमत के साथ जीत हासिल की। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की इस जीत को लेकर कहा है कि ये विचित्र परिणाम गले के नीचे उतर पाना मुश्किल है। साथ ही उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं से लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट जाने की अपील भी की। उन्होंने 10 दिसंबर को लखनऊ में होने वाली बहुजन समाज पार्टी के बैठक की जानकारी भी दी। इस बैठक में आगामी योजनाओं पर चर्चा की जाएगी। मायावती ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि देश के 4 राज्यों में अभी हाल ही में हुए विधानसभा आम चुनाव के आए परिणाम एक पार्टी के पक्ष में एक तरफा होने से सभी लोगों का शंकित, अचंभित व चिंतित होना स्वाभाविक, क्योंकि चुनाव के पूरे माहौल को देखते हुए ऐसा विचित्र परिणाम लोगों के गले के नीचे उतर पाना बहुत मुश्किल है। उन्होंने आगे ये भी लिखा कि पूरे चुनाव के दौरान माहौल एकदम अलग व कांटे के संघर्ष जैसा दिलचस्प रहा, किंतु चुनाव परिणाम उससे बिल्कुल अलग होकर पूरी तरह से एक तरफा हो जाना यह ऐसा रहस्यात्मक मामला है जिस पर गंभीर चिंतन व उसका समाधान जरूरी है। लोगों की नब्ज पहचानने में भयंकर भूल चूक चुनावी चर्चा का नया विषय। मायावती ने एक्स पर लिखा कि बहुजन समाज पार्टी के सभी लोगों ने पूरे तन मन धन व दमदारी के साथ ये चुनाव लड़ा, जिससे माहौल में नई जान आई, किंतु उन्हें ऐसे अजूबे परिणाम से निराशा मिली है। ये निराश कतई भी नहीं होना चाहिए, बल्कि परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन संघर्षों से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ने का प्रयास करते रहना है। आगे उन्होंने लिखा कि इस चुनावी परिणाम के संदर्भ में जमीनी रिपोर्ट लेकर आगे लोकसभा चुनाव की नए सिरे से तैयारी पर विचार विमर्श के लिए पार्टी की ऑल इंडिया की बैठक आगामी 10 दिसंबर को लखनऊ में आहूत करेगी। चुनाव परिणाम से विचलित हुए बिना अंबेडकरवादी मूवमेंट आगे बढ़ने का हिम्मत कभी भी नहीं हारेगा।